नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए हवन पूजन किया गया। प्रधानमंत्री ने देश को नया संसद भवन समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पीकर ओम बिड़ला संसद में मौजूद रहे। जिस सिंगोल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे दंडवत प्रणाम कर स्पीकर की कुर्सी के साथ स्थापित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद का निर्माण करने में अपना योगदान देने वाले श्रम योगियों का भी सम्मान किया। और सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद सुबह करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री यहां पहुंचे। पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने नमन किया और इसके बाद हवन हुआ। सिंगोल ग्रहण करते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साधु संतों का आशीर्वाद भी लिया। और इससे जुड़ी 5 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगोल स्थापित किया। लोकसभा स्पीकर के उस आसन के साथ में जहां देश की सत्ता का केंद्र जिसे कहा जाता है, प्रतीकात्मक रूप से यहां से सत्ता चलाई जाती है, न्याय यहां से होता है। तो ऐसे में ये सिंगोल जो कि न्याय का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, चूंकि लोगों के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि यहां पर बैठता है, ऐसे में उस प्रतिनिधि का की निगरानी करने के लिए उस प्रतीक चिन्ह को, सिंगोल को यहां स्थापित किया गया है। और ये वो शिलापट्ट जो कि इस संसद भवन के लोकार्पण से जुड़े 3 महत्वपूर्ण शिलापट्ट बीच में आप तस्वीर जो देख रहे हैं। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवन पूजन में शामिल हुए, साधु संतों का आशीर्वाद लिया, सिंगोल की स्थापना की और लोकार्पण किया संसद भवन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला उनके साथ मौजूद थे। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां नए संसद भवन के निर्माण के बाद अब उसे लोकतंत्र के लिए सेवा में उसे लगाया गया। तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिंगोल लेकर पहुंचे थे, जिसे स्थापित किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जो कि इस वक्त इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के आसन के साथ में इसे स्थापित किया गया है। और ये और इस कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर लगभग सभी जो नेता हैं वो सेंट्रल हॉल में मौजूद थे। पुजारी और आदिनम पुजारी इस वक्त सभी मौजूद थे। और बात करेंगे, हमारे सहयोगी अशरफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अशरफ, अगर अभी की बात करें तो क्या जानकारी मिल पा रही है, इस वक्त क्या कार्यक्रम चल रहा है वहाँ और अब तक क्या कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है कार्यक्रम को लेकर? देखिए आशीष, अब इस वक्त का जो कार्यक्रम है वो पूजा का है। पूजा जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद चले जाएंगे और फिर 11:30 बजे दोबारा कार्यक्रम शुरू होगा। और 11:30 बजे जो मेहमान हैं वो आना शुरू होंगे। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, दूसरे जो महत्वपूर्ण लोग हैं, VVIPs हैं, वो लोग आना शुरू हो जाएंगे। और फिर करीब 12 बजे के बाद यानी करीब 12:10 पर राष्ट्रगान शुरू होगा। फिर जो राज्यसभा के उपसभापति हैं उनका संबोधन शुरू होगा। 2 शॉर्ट मूवीज हैं, जो पिक्चर्स हैं वो पढ़ी जाएंगी। उसके बाद करीब 12:30 बजे के आसपास जो राज्यसभा के नेता विपक्ष हैं उनका संबोधन होगा। और फिर करीब 1 बजे के आसपास 2 सिक्के 1 सिक्का जो 75 रुपए का होगा और 1 डाक टिकट उसको प्रधानमंत्री रिलीज करेंगे। और उसके बाद फिर करीब 1:15 बजे के आसपास प्रधानमंत्री का संबोधन शुरू होगा। आशीष, बिल्कुल अशरफ, और मैं आपके आसपास देख पा रहा हूँ कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ पर अब चलने लगा है। क्या यहाँ पर अब लोगों की आवाजाही सामान्य हो गई है? जो कार्यक्रम है, क्योंकि अब वो भवन के अंदर ही होंगे, मूवमेंट्स सड़क पर नहीं होगी, क्या इस वजह से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से अब आवाजाही शुरू हुई है?
आशीष देखिए, ये जो पीछे मेरे अभी ट्रैफिक शुरू हुआ है आम लोगों के आवाजाही, क्योंकि 9:30 बजे का टाइम है कि प्रधानमंत्री यहाँ से चले जाएंगे। इस रास्ते से नहीं जाएंगे, वो विजय चौक का जो रास्ता है, मेन गेट है, उधर से पार्लियामेंट की तरफ से प्रधानमंत्री निकल जाएंगे। हम लोग यहाँ रेल भवन की तरफ जो गेट है यहाँ पर खड़े हैं, तो यहाँ से रास्ता खोल दिया गया है आम लोगों के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री दूसरे रास्ते से जाएंगे, इस वजह से ये रास्ता खोला है। लेकिन ये रास्ता अभी सिर्फ 2 घंटे के लिए है, जब दोबारा फिर प्रधानमंत्री का इधर आने का होगा 11:30 बजे, उससे पहले फिर पहले जैसे ही सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता कर दिए जाएंगे। आम लोगों के लिए आना जाना की जो होगी वो इस रास्ते से मनाही फिर से हो जाएगी। जी बिल्कुल, और वीआईपी मूवमेंट्स के समय वो सुरक्षा की जो स्थिति होगी वो और सतर्क होगी और चाकचौबंद होगी। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और आपसे फिर आगे अपडेट लेने के लिए संपर्क करेंगे। और बढ़ते आगे और कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे, और लगातार जो तस्वीरें आपको हमने दिखाई उसके बाद आगे जो डिटेल्स है इस खबर से जुड़ी हुई लगातार आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल की जो स्थिति है वो ये है कि जो पहला जो चरण था पूजा का और लोकार्पण का, वो लगभग संपन्न हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पित किया नए संसद भवन को लोगों के लिए। अब यहाँ इसको सेवा में लाया जाएगा, इसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। नया संसद भवन बनकर तैयार है, रिकॉर्ड 3 साल के समय में ये बनकर तैयार हुआ है। और संसद भवन के इस उद्घाटन कार्यक्रम से जुड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें हमने आपको दिखाई। न्यूज 18 के साथ आप भी साक्षी बने इस नए संसद भवन की शुरुआत, जो कि आजादी के 75 साल लगे हमें नया अपना खुद का संसद भवन हासिल करने में, और जो कि बनकर तैयार हुआ है। पुराने संसद भवन के सामने ही ये संसद भवन मौजूद है, और चूंकि सेंगोल जो कि न्याय और कर्म का प्रतीक है, इसकी स्थापना यहाँ की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी स्थापना की, और यहाँ पूरे विधि विधान के साथ पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई, और उसके बाद मंत्रोच्चार के साथ पूरे विधि विधान के साथ सिंगोल स्थापित किया गया, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन का लोकार्पण किया। 3 शिलापट जो कि इस उद्घाटन कार्यक्रम के महत्वपूर्ण सूचना इन पर अंकित है, और इतिहास में ये तस्वीरें दर्ज हो गई हैं। और न्यूज 18 के साथ आप भी इस तस्वीर के साक्षी बने इस महत्वपूर्ण घटना के। और ये वो श्रम योगी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने संसद भवन के निर्माण कार्य के दौरान पूरा सहयोग किया, और इन्होंने निर्माण कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और संसद भवन उद्घाटन से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। भोपाल से एक बड़ी खबर, जहां करीब करीब 2100 किलो नकली मावा पकड़ा गया। खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। ग्वालियर से भोपाल लाया गया था नकली मावा। हमीदिया रोड पर पकड़ा गया नकली मावा। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ा गया नकली मावा। 21 किलो पकड़ा गया नकली मावा। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां, जिसमें भोपाल से ये जानकारी मिल रही है।